एचपीएफए निर्मला देवी मेमोरियल राज्य स्तरीय अंडर 14 फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में अरुवंश चौहान की कप्तानी में द मैग्नेट हमीरपुर व साहपुर फुटबॉल एकेडमी में जोरदार मुकाबला हुआ। पहले हाफ में दोनों टीमों में कड़ा मुकाबला हुआ, लेकिन कई अटैक्स के बावजूद शाहपुर फुटबॉल अकेडमी व द मैग्नेट के खिलाड़ी कोई भी गोल नहीं कर पाए। दूसरे हाफ में दोनों टीमों ने अपने अटैक्स तेज कर दिए, जिसमें 20वें मिनट में धनपुर अकेडमी ने पेनल्टी स्ट्रोक से पहले गोल किया और स्कोर 1-0 हो गया। लेकिन खेल के 3 मिनट शेष रहते द मैग्नेट हमीरपुर के विशाल राणा ने फील्ड गोल करके हिसाब बराबर कर दिया। एचपीएफए निर्मला देवी मेमोरियल राज्य स्तरीय अंडर 14 फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में अरुवंश चौहान की कप्तानी में द मैग्नेट हमीरपुर व शाहपुर फुटबॉल अकेडमी में जोरदार मुकाबला हुआ। पहले हाफ में दोनों टीमों में कड़ा मुकाबला हुआ, लेकिन कई अटैक्स के बावजूद शाहपुर फुटबॉल अकेडमी और दी अकेडमी के खिलाड़ी कोई भी गोल नहीं कर पाए। दूसरे हाफ में दोनों टीमों ने अपने अटैक्स तेज कर दिए, जिसमें 20वें मिनट में धनपुर अकेडमी ने पेनल्टी स्ट्रोक से पहले गोल किया और स्कोर 1-0 हो गया। लेकिन खेल के 3 मिनट शेष रहते द मैग्नेट हमीरपुर के विशाल राणा ने फील्ड गोल कर हिसाब बराबर कर दिया और स्कोर 1-1 की बराबरी पर आ गया और दूसरे हाफ के खेल की समाप्ति पर स्कोर 1-1 के बराबर रहा। टूर्नामेंट के विजेता के फैसले के लिए सिंथेटिक ग्राउंड में मैच रेफरी ने पेनल्टी शूट आउट का निर्णय लिया। पेनल्टी शूट आउट में द मैग्नेट ने अपने पहले 4 शूट्स में सभी गोल किए और शाहपुर फुटबॉल अकेडमी के 2 शूट गोली अभय ने रोक लिए और दी मैग्नेट हमीरपुर एचपीएफए निर्मला देवी मेमोरियल राज्य स्तरीय अंडर 14 फुटबॉल प्रतियोगिता का विजेता बनकर उभरा। एचपीएफए की राज्य स्तरीय अंडर 14 फुटबॉल प्रतियोगिता के आखिरी दिन से मुख्य अतिथि का स्वागत शाल व टोपी पहनकर अजीत सिंह चौहान ने किया। इस मौके पर उपस्थित एचपीएफए के महामंत्री दीपक शर्मा ने भी दी मैग्नेट के प्रिंसिपल अरुण चौहान की खूब प्रशंसा की और कहा कि दी मैग्नेट ने इतने खिलाड़ियों के रहने और खाने का इंतजाम किया है और साथ ही मैग्नेट ने हमीरपुर में इतनी बड़ी प्रतियोगिता करवा कर ये खेल को प्रोत्साहन दिया है। टूर्नामेंट के फाइनल डे पर मुनीश शर्मा हिमाचल बास्केटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने दी मैग्नेट स्कूल के प्रयासों की खूब बधाई दी और कहा कि दी मैग्नेट के इन बेहतरीन प्रयासों की वजह से फुटबॉल की गेम को प्रदेश में खूब प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि युवा इस तरह के आयोजनों से नशे से दूर रहेंगे। वक्त तो चला, छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।